फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड अक्सर हम वीडियो आपके समक्ष लाते रहते हैं, तो आज का टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है। क्योंकि दोस्तों, प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोजेक्ट के जितना ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसे अपना जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है बना सकते हैं, तो उसमें हम जैसे बात करें कि उसमें तीन टाइप्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑल होता है जो प्रोजेक्ट्स साइनोप्सिस है। तीन कैटेगरीज में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तब हमारे जो कॉलेजेस है वहाँ पे सबमिट करते हैं, जिसमें बेसिक ओवरव्यू होता है प्रोजेक्ट्स का। उसके बाद सेकंड वन होता है, वो होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो मेन है, जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है, जिसे हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो उसमें पूरी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स रहती है चैप्टर वाइज, और उसमें प्रोजेक्ट्स में क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, पूरा प्रोजेक्ट्स की जो डिटेल्स है वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में मिलती है। एंड थर्ड वन होती है प्रोजेक्ट पीपीटी। तो दोस्तों, ये तीनों ही प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, जिसमें हम पहले जो प्रोजेक्ट साइनोप्सिस सबमिट करना होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट के साथ साथ अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाना होता है, एंड प्रोजेक्ट जो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कंप्लीट करने को रहती है। उनमें आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि जो मेन जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे क्रिएट करना है। अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाया है तो प्रोजेक्ट्स का रिपोर्ट भी आपको बनाना होगा, क्योंकि वाइवा में अगर बाय चांस प्रोजेक्ट्स रन नहीं हो पाता है तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के को देखकर ही आपके मार्क्स दिए जाते हैं। तो उसमें कैसे प्रोजेक्ट्स के रिपोर्ट से उसको बनाया जाता है, तो फर्स्ट वन, उसका जो फर्स्ट पेज है वो ऐसा रहेगा कि ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स का नेम है, जो डेफिनेशन है, ऑनलाइन टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन है और लिख देनी है। उसके बाद सबमिटेड टू, यानी कि यहाँ पे अपनी जो भी आपकी जो कॉलेजेस है, उसके बाद यहाँ पे एफिलेटेड टू, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम आपको प्रेस कर देना है। एंड आपको यहाँ पे, आपको मान लो यहाँ पे भी आप BCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, जो भी आप इंस्टीट्यूट, जो भी आपका जो फील्ड है, कोर्सेस है, वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिटेड बाइक में सबमिटेड की जो डिटेल्स है, जो भी आपके जो प्रोजेक्ट्स ग्रुप मेंबर है उसके नेम यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट का जो गाइड है उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिख देने हैं, जो भी प्रोफेसर से आपके गाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को। उसके बाद जो भी ईयर है वो यहाँ पे लिख देना है। फर्स्ट पेज आपका यही रहेगा। उसके बाद सेकंड पेज आपको क्या रहेगा, यहाँ पे आपको एक जो पेज है वो कंप्लीट करना होगा, जहाँ पे आपकी यहाँ पे कॉलेजेस की नेम है। उसके बाद जो यहाँ पे देखे कि जो होम सर्वर की नाम की जो एक पेज है वो आपको बनाने, कंटेंट यहाँ पे देख लेना है, या तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ दो चेंजेस करने को रहते हैं, एक यहाँ पे जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वहाँ पे आपका खुद का नाम प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कॉलेजेस है, एंड यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट की जो डेफिनेशन है उसको आपको चेंजेस कर देना है। उसके बाद थर्ड नंबर का जो पेज है वो एक्नॉलेजमेंट का होता है, वहाँ पे जो ये जो डिटेल्स है उसको कॉपी करके भी आप रख सकते हैं, एंड आप गूगल पे से भी एक्स्ट्रा यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी दो जो चेंजेस करने होंगे, एक जो फर्स्ट वन होगा वो यहाँ पे जो प्रोफेसर्स का नेम है, जो भी आपका गाइड है, एंड सेकंड वन है वो यहाँ पे देखिए जो थर्ड इंडेक्स है वहाँ पे जो अपने जो आपके जो कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी जो भी प्रिंसिपल है वहाँ उसका यहाँ पे जो है वो नेम है वो लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगी टेबल ऑफ कंटेंट। दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट है वहाँ पे जो टेबल की कंटेंट है, जिसमें जो चैप्टर वाइज आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है। यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर कितनी जो मान लो कैटेगरीज की जो ऑब्जेक्ट है वो अवेलेबल है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड है, उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, प्रोजेक्ट ऑफ परपज है, स्कोप ऑफ सिस्टम है, तो वो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर वन था। उसके बाद सेकंड वन क्या रहे थे कि सेकंड वन रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस है, तो वहाँ पे भी देखे कि प्रॉब्लम डेफिनेशन है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, जो प्लानिंग शेड्यूल्स है। उसके बाद थर्ड नंबर का चैप्टर है वो सिस्टम डिजाइन का रहेगा, जिसमें हम डेटा डिक्शनरी के बारे में देखेंगे। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिजाइन है, उसके अंदर हमें देखना है। तो सिस्टम डिजाइन है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स की जो भी डिटेल्स है पूरी वो मिल जाएगी। उसके बाद टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें भी दो पॉइंट्स, एक है टेस्टिंग है, उसके बाद सेकंड वन है वो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच का है। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है वो रहेगा कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन में प्रोजेक्ट ऑफ कंक्लूजन, उसके बाद प्रोजेक्ट की जो लिमिटेशन ऑफ सिस्टम, फ्यूचर स्कोप ऑफ सिस्टम एंड बिब्लियोग्राफी। तो दोस्तों, फाइव चैप्टर में हमें अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करना है। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीटली बना लिया है, या तो प्रोजेक्ट का वर्क है वो रनिंग में चल रहा है, तो तब भी आप डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो फिफ्थ चैप्टर तक जो भी डिटेल्स है वो आपको ऐड कर लेनी है, एंड यहाँ पे जो भी कंटेंट है उसे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद
टेबल ऑफ फिगर है, जहाँ पे जो भी जो फील्ड हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट में अवेलेबल है उसकी जो टेबल ऑफ कंटेंट है, जो कौन से पेज पे कौन सी डिटेल्स अवेलेबल है, तो वो टेबल ऑफ जो फिगर है वो आपको एक बना लेनी है, जिसमें मान लो यहाँ पे देखिए जो स्पायरल मॉड्यूल है तो 20 नंबर के पेज पे अवेलेबल है, उसके बाद जो सिंबल ऑफ जो DFD है 25 नंबर के पेज पे अवेलेबल है, उसके बाद जीरो लेवल DFD है, फर्स्ट लेवल DFD है, तो जितने भी जो टेबल ऑफ फिगर है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद जब जैसे ही टेबल ऑफ फिगर कंप्लीट हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो चैप्टर वन से स्टार्ट करना है, क्योंकि चैप्टर वन हमारा है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में दोस्तों प्रोजेक्ट्स की जो ओवरव्यू डिटेल्स है वो लिख देनी। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोजेक्ट का जो भी मान लो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको लिख देना है। उसके बाद बैकग्राउंड का एक चार्ट आपको कम्प्लीटली ऐसे बना लेना है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि उसमें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो लिख देना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, जो भी 2 मंथ 3 मंथ या तो 5 मंथ 4 मंथ जितना भी हो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद प्रोजेक्ट गाइड में यहाँ पे जो भी आपका जो प्रोफेसर का नेम है वो आपको लिख देना है। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म लिख देना है, यानी कि कौन से प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेड ये वाला प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो भी आपने टेक्नोलॉजीज यूज़ की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म में लिखनी होगी। उसके बाद जो टूल्स यूज हुए, मान लो जो भी सॉफ्टवेयर यूज हुए, तो उसका ओवरव्यू एक बैकग्राउंड आपको टेबल है वो बना के यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे एम है, एंड जो 1.2 नंबर का जो पॉइंट हमारा है वो है ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव हो लिख देना है। दोस्तों प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव आप कैसे लगे, क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है वो चेंज रहेगी, तो आपको सिंपल सा गूगल पे जाना है एंड आपका जो भी डेफिनेशन है उसको टाइप करके लास्ट में ऑब्जेक्टिव लिख देना है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपके डेफिनेशन है उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के जो पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद जो 1.3 नंबर का जो पॉइंट है वो पर्पज का है, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का प्रपोज है वो आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये सारा है वो इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर वन है, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंटेशन है आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो 1.4 नंबर का जो पॉइंट है वो रहेगा स्कोप ऑफ सिस्टम, जिसमें आपको जो प्रोजेक्ट का जो भी स्कोप है वो यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद जो बेसिक मॉड्यूल्स है प्रोजेक्ट में कौन कौन से है, मान लो ये वाला जो प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे बेसिक मॉड्यूल 2 है, यहाँ पे यूजर एंड एडमिन। उसके बाद जितने भी जो मान लो मॉड्यूल्स अवेलेबल है, आपके मेनूस अवेलेबल है, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, जो भी फीचर्स अवेलेबल है, तो बेसिकली यहाँ पे जो शॉर्ट में आपको कम्प्लीटली लिख देना है, ताकि यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो बेसिकली देखने में आ जाए। क्योंकि जो भी वाइवा ले रहा होगा फैकल्टी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे देखेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट के आउटपुट को देखेगा। तो आपको उसमें लास्ट जो पॉइंट है वो स्कोप का है चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की डेफिनेशन के रिलेटेड आपको जो प्रोजेक्ट का जो भी स्कोप है वो यहाँ पे लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर वन है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड हम बात करते हैं चैप्टर टू की, क्योंकि दोस्तों जब भी आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करें तो आप चैप्टर वन एंड चैप्टर टू तक आसानी से आप प्रोजेक्ट जितना भी बनाओगा फिर भी आप बना सकते हैं। उसके बाद सिस्टम डिजाइन वाले जो चैप्टर को बनाने के लिए आपको प्रोजेक्ट का पूरा कंप्लीट होना आवश्यक है। तो दोस्तों चैप्टर टू के बारे में बात करें तो चैप्टर टू हमारा है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, और चैप्टर टू है उसमें 2.1 हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो प्रॉब्लम डेफिनेशन, क्योंकि दोस्तों कौन कौन सी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये वाली जो सिस्टम बनाया है, तो ऐसी डिटेल से हमें प्रॉब्लम डेफिनेशन में लिख देनी है। उसके बाद सेकंड नंबर का हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों आपके जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट अवेलेबल थी, तो उस जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट मान लो कि एडवांटेज जो भी है तो वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद जो फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट अवेलेबल है, यहाँ पे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो चाहे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, तो सारी ही आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे जो यूजिबिलिटी है, रियाबिलिटी है, उसके बाद परफॉर्मेंस है, एंड जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपका जो ये वाला जो मान लो सपोज इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए यहाँ पे मिनिमम ड्यूअल कोर जो प्रोसेसर है और लैपटॉप या पीसी का होना चाहिए, एंड हार्ड डिस्क हमारी 500 GB तक मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद मिनिमम 1 GB रैम होनी चाहिए, तभी ये वाली जो सिस्टम है मान लो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो सपोर्टेड है, तो ये हमारी हो गई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आती है जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है उसमें मान लो जो भी सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं, टेक्निकली जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है, सपोज मान लो ASP.NET पे हमने प्रोजेक्ट्स बनाया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें जो विजुअल स्टूडियो की आवश्यकता है, उसके बाद उसको रन कर ले, हमें कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर की आवश्यकता है, उसके लिए जो भी डेटाबेस टूल है, तो मान लो सपोज MS Access हो या तो SQL सर्वर का डेटाबेस हो, तो ये सारी हो गई हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, तो वो भी आपको अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखनी है। उसके बाद आता है जो 5th नंबर का पॉइंट है वो है प्लानिंग शेड्यूल, जिसमें आपको प्रोजेक्ट का प्लानिंग शेड्यूल है वो बना के यहाँ पे रख देना है, क्योंकि प्लानिंग शेड्यूल को भी आपकी डेफिनेशन के अनुरूप आप अपने जो
गूगल में से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग आ गया, उसमें जो स्टडी ऑफ जो प्रॉब्लम्स है उसकी डिटेल्स है वो आपको ऐड कर देने हैं। लास्ट में आपको शेड्यूलिंग का जो पॉइंट है उसमें डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन है आपको लिख देनी है। उसके बाद जो आता है स्पायरल मॉड्यूल, क्योंकि दोस्तों हमारा कोई भी प्रोजेक्ट्स है वो कोई भी एक जो मॉड्यूल है एस डी एल सी का, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो मॉड्यूल है उनमें से कोई एक मॉड्यूल पे ही काम कर रहा होगा। तो दोस्तों फोर्थ टाइप के जो मेन मॉड्यूल है उसमें फर्स्ट वन है वाटरफॉल मॉड्यूल है, सेकंड वन है स्पायरल मॉड्यूल है, थर्ड वन वी टाइप है, एंड जो फोर्थ वन है वो इटरेटिव मॉड्यूल है। तो उनमें से यहाँ पे स्पायरल मॉड्यूल को हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे हमने स्पायरल मॉड्यूल के जो भी बेसिक डिटेल्स है वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। उसके बाद स्पायरल मॉड्यूल की जो डिज़ाइन कैसी है तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे इंटरनेट पे मिल जाएगी। जो भी आपने मॉड्यूल पे वर्क किया है तो उस मॉड्यूल की डिटेल आपको अपने जो प्रोजेक्ट्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे लिख देनी। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है आपने प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बना लिया तो आपको स्पायरल मॉड्यूल को ही रख देना है, स्पायरल मॉड्यूल की डिटेल को ऐड कर देना है। लास्ट में यहाँ पे देखें कि उसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे आपको लगा देना, डायग्राम की इमेज भी आप लगा सकते हैं, उसके रिलेटेड जितनी भी जो डिटेल्स है उसको आपको कॉपी करके पेस्ट करके अपने डॉक्यूमेंटेशन में आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आता है चैप्टर थ्री, जो थर्ड नंबर का हमारा जो चैप्टर है वो है सिस्टम डिज़ाइन, क्योंकि दोस्तों सिस्टम डिज़ाइन है वहाँ से हमारा पूरा प्रोजेक्ट्स के कैसा है, इसमें कितनी फंक्शनलिटीज़ है, कितने फील्ड्स है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ से मिल जाएगी। क्योंकि ये वाला है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उनमें से चैप्टर वन में फर्स्ट पॉइंट हमारा है जो DFD यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम, क्योंकि दोस्तों यहाँ से डेटा फ्लो से हमारा पूरा प्रोजेक्ट का डेटा फ्लो है वो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में दिखेगा। क्योंकि जो भी फैकल्टी आपका वाइवा ले रहा होगा उसके हाथ में आपके जो डॉक्यूमेंटेशन की बाइंडिंग कॉपी पड़ी होगी तो वो डायरेक्टली सिस्टम डिज़ाइन पे आएगा एंड आपका DFD वो चेक करेगा। क्योंकि आपके जैसे ही वो DFD चेक करेगा तो उसे प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो है वो पता चल जाएगा। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो DFD के रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो भी सिम्बॉल DFD बनाने के लिए यूज़ होता है उसकी डिटेल आपको लिख देनी है। उसके बाद जो DFD की जो टाइप है जिसमें आती है, जीरो लेवल DFD आती है, फर्स्ट लेवल DFD आती है, एंड जो सेकंड लेवल की DFD आती है। दोस्तों हमने DFD के लिए एक अलग से ही वीडियो बना रखा है, आप उसको हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उनमें दोस्तों जीरो लेवल के DFD है उसको बेसिक समझे, तो मान लो क्या कि सपोज मान लो एक लॉग इन पेज है, वहाँ से हम एडमिन एंड यूज़र दोनों को लॉगिन करा सकते हैं, तो उसे आप जीरो लेवल की DFD कह सकते हैं। क्योंकि जब भी यूजर नेम एंड पासवर्ड हम सही डालेंगे तो या तो हम एडमिन पेज पे मूव हो गए या तो हम यूज़र पेज पे मूव हो गए, तो जिसे आप जीरो लेवल की DFD कह सकते हैं। उसके बाद समझे कि फर्स्ट लेवल की DFD, फर्स्ट लेवल की DFD को हम समझे तो यहाँ पे देखें कि ये जो सर्कल पूरा है, ये जो सर्कल है वो फील्ड्स का नेम है। उसके बाद यहाँ पे देखें जो स्क्वायर में जो दिख रहा है यूज़र रजिस्टर, ये हमारा टेबल का नेम है, एंड यहाँ पे जो यूज़र है वो भी हमारे टेबल का नेम है। तो उसमें क्या है कि मान लो जैसे साइन अप करेगा यूज़र, उसके बाद वो साइन अप की डिटेल रजिस्ट्रेशन टेबल में होगी, उसके बाद जैसे यूज़र आएगा वो लॉग इन करेगा तो डिटेल यूज़र नेम एंड पासवर्ड को फेच करने के लिए वो रजिस्टर जो टेबल है वहाँ पे जाएगा, एंड जैसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड की जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो उसके सामने ये सारे जो मॉड्यूल्स है वो आ जाएंगे, तो जिसे आप फर्स्ट लेवल की DFD कह सकते हैं। तो उसको दोस्तों डिटेल में आपको समझने के लिए आपको हमारी जो अलग से एक वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड वन एडमिन साइट का जो फर्स्ट लेवल का DFD है, उसके बाद ये वाला है जो सेकंड लेवल का DFD है। सेकंड लेवल का DFD क्या है बेसिकली समझो, सपोज मान लो हमारे सामने एक ओम नाम का जो मेनू है, तो जैसे हम ओम नाम के मेनूज पे जाते हैं तो और जो मेनू है वो हमारे सामने शो होते हैं, तो जिसे हम सेकंड लेवल की DFD कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक मेनू है डोनेट, जैसे हम माउस की कर्सल डोनेट वाले मेनूज पे जाते हैं तो हमारे सामने और दो ड्रॉप डाउन खुलते हैं, जहाँ पे एक मान लो कि ब्लड इन्फो का है, सेकंड कोई और है, तो उसे आप सेकंड लेवल की जो DFD है उसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो है वो यूजर सर्च की सेकंड लेवल की DFD है। उसके बाद जो ER डायग्राम, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ER डायग्राम यानी कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्योंकि दोस्तों आपके जो डेटाबेस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो जो भी फैकल्टी वाइवा ले रहे वो उसको ER डायग्राम यानी कि जो एंटिटी रिलेशनशिप का जो डायग्राम है उसे देख के ही उसको समझ में आएगी, जिसमें जितने भी आपके डेटाबेस के टेबल अवेलेबल है तो उसका रिलेटेड अलग अलग जो ER डायग्राम है वो बनेगा। यहाँ पे देखें सिंपल, एक हमारा जो यूज़र TBL नाम का जो टेबल है उसके जितने भी फील्ड्स है तो ऐसे यहाँ पे हम जो वो रिप्रेजेंट करेगी कि एक है यूज़र ID है, उसके बाद नेम है, ईमेल है, जितने भी फील्ड हो गए तो ऐसे हम एरो करके यूज़ करेंगे। उसके बाद
सेकंड टेबल है जो कॉन्टैक्ट टीबीएल नाम का जो टेबल है, तो उसको कॉन्टैक्ट का जो टेबल में जितने फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद एक है जो एडमिन का टीबीएल है, तो एडमिन में जो भी मेनूस अवेलेबल है तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बुकिंग टीबीएल है, तो बुकिंग टीबीएल में जितने भी मेनूस अवेलेबल है तो उसको यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने है। अगर दोस्तों फॉरेन की को यूज़ किया तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि वीडियो टीबीएल है, जितने भी टीबीएल जो टेबल्स अवेलेबल है आपके डेटाबेस में, तो उसके सारे के जो आपको ईआई डायग्राम है वो आपको लगाने होंगे। उसके बाद डेटा डिक्शनरी, दोस्तों सिस्टम डिजाइन में जो डेटा डिक्शनरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटाबेस टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डेटा डिक्शनरी को देख के ही समझ में आता है। तो उससे सिंपल से आपको क्या करना है, क्योंकि आपने जितने भी डेटाबेस टेबल्स को बनाया है तो उसके स्क्रीनशॉट ले लेने। वहाँ मान लो सपोज आप एसक्यूएल का आपने बनाया हुआ डेटाबेस, तो आप सर्वर एक्सप्लोरर पर जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो डेटाबेस की जो डिटेल्स मिल जाती है वहाँ पे टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप कोई भी टेबल पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको टेबल स्ट्रक्चर का जो ऑप्शन है वो मिलता है, या तो टेबल डेफिनेशन का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप टेबल डेफिनेशन वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो ऐसे डिटेल आपके सामने शो हो जाती है। आपको सिंपल से उसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड यहाँ पे लगा देने हैं। कॉपी पेस्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो है आउटपुट डिजाइन। दोस्तों ये सारी थी वो इनपुट डिजाइन हमने देख ली। उसके बाद आती है आउटपुट डिजाइन। दोस्तों आउटपुट डिजाइन है उसमें सिंपल आपको प्रोजेक्ट्स को रन करना है एंड जितने भी पेज आपके सामने शो होते हैं तो वो सारे पेज के स्क्रीनशॉट ले लेने एंड यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन पे लगा देने। क्योंकि जो भी बाई चांस मान लो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, या तो आपने पीसी चेंज किया है वहाँ पे कोई डिफरेंट पीसी है और आपका जो प्रोजेक्ट से वो रन नहीं हो पाता, लास्ट टाइम कोई एरर आ जाती है, तो अगर आपने आउटपुट सेट डिज़ाइन में आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपने स्क्रीनशॉट लगाए होंगे तो जो भी फैकल्टी वाई वाले रहे तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगा एंड आपके जो प्रोजेक्ट्स के जो डिज़ाइनिंग है वो देख पाएगा। जितने भी जो स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, जितने भी जो फंक्शनलिटीज है जो भी आपने ऐड किए हुए, तो आपको यहाँ पे जो पेजेस है वो लगा देने हैं एंड उसके रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे लगा देने हैं। उसके बाद आपको लास्ट में एक हमारा जो लास्ट ना जो फोर्थ नंबर का जो चैप्टर रहेगा और लास्ट में होगा जो फिफ्थ नंबर का चैप्टर। तो दोस्तों फोर्थ नंबर का जो पूरा चैप्टर है उनमें कोई एक ही डिटेल्स आती है, क्योंकि टेस्टिंग के रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आउटपुट साइड जो भी जो डिटेल्स है वहाँ पे, या तो यूज़र साइड हो या तो एडमिन साइड हो, तो आपको स्क्रीनशॉट सारे हो यहाँ पे आपको लगा देने, जितने भी स्क्रीनशॉट अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे लगा देने। उसके बाद फोर्थ नंबर पे चैप्टर पे आते हैं, जो लास्ट के हमारे चैप्टर है दो, उसमें फोर्थ है जो टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में आपको टेस्टिंग के रिलेटेड डिटेल्स है वो लिख लेनी है। पहले तो आपको बेसिकली जो टेस्टिंग के बारे में लिखने हैं, जिसमें जो तीन टाइप्स के जो टेस्टिंग आती है उसमें आती है ब्लैक बॉक्स टेस्टर आता है, उसके बाद आता है जो व्हाइट बॉक्स टेस्टर आता है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टर के जो डिटेल्स है वो आपको लिख देनी है। उसके बाद आता है लास्ट में ग्रे बॉक्स टेस्टर, तो आपको ग्रे बॉक्स टेस्टर के रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको लिख देनी है। क्योंकि दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टर है ओनली फॉर जो फंक्शनैलिटीज है उनको चेक करता है, एंड जो व्हाइट बॉक्स टेस्टर है वो कोडिंग एंड डिजाइनिंग जो भी कोडिंग जो भी टेक्निकली है उसको चेक करता है, एंड जो ग्रे बॉक्स टेस्टर है ये दोनों का ही काम एक साथ करता है, जिसे आप ग्रे बॉक्स टेस्टर कह सकते हैं। अगर दोस्तों वाईवे में आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन से आपको पूछ ले तो आपको बता देना है कि जो ग्रे बॉक्स टेस्टर है, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट हम ग्रे बॉक्स टेस्टर में आते हैं, क्योंकि हमने खुद ही जो फंक्शनलिटीज है उसको चेक किया हुआ है, उसके बाद हमने खुद ही जो कोडिंग है उसको चेंजेस किया है और खुद ही अपने जो चेंजेस सारे हो किए, तो हम ग्रे बॉक्स टेस्टर की कैटेगरीज में आते हैं। तो आपको टेस्टिंग के रिलेटेड जो डिटेल्स है वो हमें चैप्टर फोर्थ में वो लिख देनी है। उसके बाद जितने भी उसके जो मान लो कि जो टेक्निक्स है टेस्टिंग के, उसकी जो टेक्निक्स आपको लगा देनी है, जो भी डायग्राम है तो वो डायग्राम आपको लगा देने हैं। उसके बाद आपको चैप्टर फाइव जो लास्ट हमारा जो चैप्टर है, जहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट हमारा रहता है कंक्लूजन का। तो दोस्तों कंक्लूजन में प्रोजेक्ट्स का जो भी कंक्लूजन है, सपोज मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट है टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेजमेंट रहता है, तो उसका जो भी बेसिकली कंक्लूजन है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद चैप्टर जो फाइव में जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो लिमिटेशन का है। दोस्तों लिमिटेशंस में आपको जो भी आप फंक्शनैलिटी अपने प्रोजेक्ट्स में देने को रहेगी है, मान लो कि सपोज मान लो कि ये वाला प्रोजेक्ट है तो उसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये प्रोजेक्ट पूरा ऑनलाइन ही चलता है, तो विदाउट इंटरनेट ये वाला प्रोजेक्ट है वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेज जो बुकिंग का है, तो वो पूरा ही इंटरनेट पर डिपेंडेंट है, तो ऑनलाइन नहीं चलेगा, तो ऑनलाइन हमारी फर्स्ट जो लिमिटेशन से वो रहेगी। उसके बाद सेकंड वन है वो हमारी रहेगी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसको चलाने के लिए लैपटॉप या पीसी का होना आवश्यक है, तो ये हमारे सेकंड नंबर की जो लिमिटेशन होगी। उसके बाद है
कि जो नो ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी, दोस्तों लिमिटेशन में आपको सिक्योरिटी का है वो पॉइंट अवश्य ही लिखना है, और जो भी लास्ट टाइम आपको याद आता है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, एंड ये वाली जो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए बट हमें टाइम नहीं मिला, तो वो आपको लिमिटेशंस में बता देनी है। उसके बाद होता है जो फ्यूचर ऑफ स्कोप, यानी कि फ्यूचर स्कोप ऑफ सिस्टम, जिसमें आप फ्यूचर्स में ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन सी डिटेल्स है उसको आप ऐड करना चाहते हैं, कौन से फ्यूचर्स को आप ऐड करके चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो सारी आपको, या तो फ्यूचर में ये वाला प्रोजेक्ट है वो कितना एडवांटेज उसका होने वाला है, तो वो डिटेल सारी आपको फ्यूचर ऑफ स्कोप में लिख देनी है। उसके बाद लास्ट में जो पॉइंट हमारा रहेगा वो होगा बिबिलियोग्राफी का, यानी कि जहाँ से भी आपने हेल्प ली है, सपोज मान लो कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया है एंड आपने मान लो कि W3 स्कूल से या तो कोई वेबसाइट है या तो गूगल से जहाँ पे भी आपने हेल्प ली है, तो उसकी डिटेल्स आपको लास्ट में बिब्लियोग्राफी में लिख देनी है, ताकि आप बता सके फैकल्टी को कि हमने खुद ही अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाया एंड हमने इस ए वाली जो साइट से वहाँ पे हमने हेल्प ली है एंड अपना डॉक्यूमेंटेशन है वो कम्प्लीटली बनाया। तो दोस्तों ऐसे ही प्रोजेक्ट टॉपिक्स के रिलेटेड मैं वीडियो आपके समक्ष लाता रहूँगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।